Hello everyone, welcome back to another live stream. This is Varnan from Big Bison Gaming and मेरे सभी viewers को happy Dushehra. आप सभी लोगों को Dushehra की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और जैसा कि कल हमने वादा किया था कि राशि को जो है वो हम आज भी खेलेंगे, कंटिन्यू करेंगे. एंड कल पता नहीं क्या हुआ था, कल बहुत ज़्यादा लैग हो गया था. एक्चुअली पता चल गया बाद में क्या हुआ था, विंडोज़ 10 का जो गेम मोड है उसकी वजह से जो है वो पूरी स्ट्रीम जो है वो लैग से भरी हुई थी. मैंने बाद में देखा, लिटरली बहुत लैग था. तो उसको फिक्स तो कर दिया गया है, तो आई होप आज जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो जहाँ से कल छोड़ा था वहीं से आज इसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो जाता है ये. तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर अब. एंड इस समय हम हैं जयधर के किले के अंदर. बहुत सही सी. A gift, Lord Vishnu. It seems so. इधर जाना है क्या? नहीं, इधर नहीं जाया जा रहा, तो इधर ही चलते. ओके, ई माउस. कंटिन्यूअसली क्लिक करना है. ओके, नीचे आएगा क्या ये? भागो. ओ, बच गए. ओके, चद्दर से नीचे. यहाँ क्या है? This is a marvel. It is surely a weapon of the gods. Thank you, those who watch over me, for sending me such good fortune. I am surprised, Lord Vishnu. Your bow is a mighty gift. The scales must be balanced, must they not? The girl earned her prize. ओ भाई, नया वेपन आ गया हमारे पास, भगवान विष्णु का धनुष. अब कहाँ जाना है? ओके, राइट. ऑलराइट, धनुष का ट्यूटोरियल. एक, दो और तीन हो गए. ओके, जंप करके सेंटर वाले को मारना है, देन लेफ्ट वाले को, देन राइट वाले को. मारा ही नहीं. अरे मारा ही नहीं. अच्छा, ऐसे. Thank you.
पागल हो गया भाई। ये भी गया। ये क्या है? ओ भाई, तीर की बारिश। अच्छा, ऊपर वाले को मार। चारों तरफ है यार। पावर भी नहीं बढ़ी। तो पागल हो गया। धनुष बहुत सही है यार, बहुत सही मार रहा है। ओके, अब हम दो वेपन है हमारे पास और हम दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। सही है। अब कहाँ जाना है? भाई पावर ही नहीं है यार। अभी भी पावर नहीं बढ़ रही, लिटरली 1 HP पे चल रहे हैं। ये कुछ छोटा सा भी लगा और हम खाता। यार इतने लोगों को मारा, कुछ तो पावर अब देनी चाहिए ना। ओ भाई फिर से सबको मारो। ये तो गलत है यार।
आया ही नहीं उस सर्कल में। तीर की बारिश वाला बहुत सही है, इसने ही बचाया, वरना इस बार भी बचना मुश्किल था, बहुत डिफिकल्ट था। कोई पावर अप है तो दे दो यार, पता नहीं अब नेक्स्ट फाइट में फुल पावर होगी या नहीं होगी। ओके, एक और ट्यूटोरियल। इसमें क्या करना है, कार्ट पे चढ़ के रिवर्स जंप करके मारना है। बहुत सही, अरे मारा ही नहीं। पूरा रीट्राई करेंगे शुरू से, ऊपर देन तीसरे वाले को लगती नहीं है। गाइस कैसे होगा ये, इसको लगती ही नहीं तीसरे वाले को। कैसे होगा, इतनी ऊंची जंप हमारा प्लेयर ले ही नहीं पा रहा।
क्या करें गाइस, चलो दोबारा कोशिश करते हैं। फिर वही है, पहले दो इतने पीछे तक जंप ही नहीं कर रही। कैसे जंप कराई से? यहां से ऊपर जंप किया, देन एक दो, कैसे करे? हमारा प्लेयर इतनी ऊंची रिवर्स जंप ले ही नहीं रहा जितनी इसकी ले रहा है।
गाइस कैसे होगा ये तो हो ही नहीं रहा। डबल जंप करना है, टॉप पे चढ़ना है और उसके बाद लेफ्ट माउस क्लिक। हम यही कर रहे हैं, एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। उसके बाद भी चलो फिर ट्राई करते हैं, फिर वही हुआ। पहले दो एक बार में, कैसे होगा ये तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा। तीसरे वाले तक तो पहुंच ही नहीं रहा। इधर उधर से ट्राई करते हैं, इस वाले से ट्राई करते हैं। फाइनली हो गया, फाइनली। भाई मेरे को तो लग रहा था ये होगा ही नहीं। अब क्या है, अब एक साथ 1 2 3 4 5 को। अभी भी Thank you.
मंगो तो गए। ये भी गया। अब कहाँ जाना है? ये बंद है। इधर भी नहीं जा सकते। अच्छा, ये वो जगह आ गई जहाँ कार्ट चल रही थी। हाँ, ये वही जगह है यहाँ कार्ट चल रही थी, हमने ऊपर से देखा था। ओके, जो कार्ट है वो इस तरफ गई थी, हम भी यही चलते हैं। ये रास्ता तो बंद है, कहीं से तो रास्ता होगा। इधर से कुछ है? ओके, पावर अप। चलो, पावरफुल हो गई आगे लड़ने के लिए, ये सही है। भाई अब लड़की में कॉन्फिडेंस आ गया, इतने राक्षसों को मार के अब इसमें खूब कॉन्फिडेंस आ गया। Another mandala, another vision of her past. If she can, एक और पता लग गई। ओके, पगड़ी का ये हिस्सा दिख रहा ऊपर। Thank you.
ये चेहरे से चेहरा। ओके ऐसे स्टिक से स्टिक मिलाई। लुक लुक दीदी, आई एम वॉकिंग, आई एम वॉकिंग, केयरफुल। ये फिर गोलू दिख रहा है। गोलू गोलू और राजी। शुरू में इतना मार डिफिकल्ट है, संभल के मारना पड़ेगा। चंगो मंगो गए।
ऑल राइट, एक और पसल। दांत से दांत मिलाए। Who had captured the children? What was their purpose? Had Raji known the truth, she may simply have given up. For this being was utterly ruthless, and the very heavens were at risk. अब कहा आगे तो रास्ता है नहीं। ओके, ये लेफ्ट वाला रास्ता ओपन हो गया। इट इज स्ट्रेंज, इज इट नॉट, दैट सच अ चाइल्ड शुड बी बोर्न of such a bloodline at exactly the time that is needed. Who can say how such things come about? Not I. Ah, see, they have depicted Shakti's first address to us. I still hear her words echo even now. I am Adi Parashakti. I am the absolute reality. She told us that she, the eternal font of energy, beyond form and limit, had created us to govern the universe as aspects of her power. ऊपर से रास्ता बंद था, नीचे सिर्फ अमृत था, जाना कहाँ है? मे बी अब खुल गया हो, चेक कर लेते एक बार। नहीं, अभी भी बंद है, अब जाना कहाँ है? इधर आने के अलावा भी कोई रास्ता था क्या?
से कोई रास्ता नहीं है। इधर भी जाना पॉसिबल नहीं है। उधर ही कोई रास्ता है पर कहाँ है? She told us that she, the eternal font of energy, beyond form and limit, had created us to govern the universe as aspects of a power. रुको गाइस, देखने दे रास्ता कहाँ से, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। Thank you.
ऑलराइट गाइस, पता चल गया, बीच में ये सीढ़ियाँ थी, ध्यान ही नहीं गया मेरा। To Brahma, she gave the role of creator and set the wise Saraswati, the primeval sound, as his consort. Together, they would create the universe. Assigned the role of preserver, of protector in all my needful incarnations, with Lakshmi as my consort, so that prosperity and wealth would be at my fingertips. Rudra would become the lord of time, both destroyer regenerator of the universe, and would grow to surpass all Shakti's other forms. One half would become Lord Shiva, destroyer of evil. The other, but you know this, Durga, for the other half was you. Thank you.
हाय, इतना मारने के बाद भी यार। फिर से मारना पड़ेगा पहले वालों को। भाई इसे अमृत ढूंढना पड़ेगा, मेरे पास सिर्फ 1 पॉइंट पावर है। कहीं अमृत है? नहीं है। Her love strengthens her purpose. Okay, नहीं है, ऊपर ही जाना पड़ेगा। चलो ऊपर ही चलते। ब्यूटीफुल ग्राफिक्स, बहुत सुंदर है यार।
यार ऐसा रास्ता तो उस तरफ भी जा रहा था। बिल्कुल नीचे आ गए, शुरू से करना पड़ेगा। पर ये कुछ है, इतने ऊपर से तो गिर के मरी गई। चलो अब की बार लेफ्ट वाले पे ही जाते हैं, राइट वाले पे जाएगी वो। मे बी लेफ्ट वाले से रास्ता हो। ऑलराइट, इससे ऊपर आ गए। आई थिंक यही रास्ता सही था। बहुत सही, बहुत सही। Whatever they want from you, whatever stands in my way, I am coming for you, little brother. They will not stop me. I won't let them hurt you, I swear. Thank you.
You will not stand against me. एक और पजल। ओके, ये पगड़ी नजर आ रही है। Now remember, bhai, whatever comes to us, Ma Durga will watch over us. She has always been one of yours. अच्छा नहीं थी सही है। And she's correct. You think too much of this one. She is important. She holds hope for the mortals of the world. Of course, I will watch over her. कि ये रास्ता भी यही जाना होगा। It is strange, is it not?
that a place of such beauty and intricate design should have been created as a bastion of war? War is the means they are given to change the world. They only give it the respect that it is due. War is not the only way. There, it was Golu. Why did the demons want him? Creature summoned a dark mandala, a portal to another place. Raji rushed to stop them. But the demon chieftain blocked her path. And suddenly Golu was gone. ये कैसे मार रहा है समझ ही नहीं आ रहा। Thank you.
मारा गया भाई, मारा गया, राक्षसों का मुखिया मारा गया। The demon defeated. The children rushed to thank Raji. But the stone had been weakened by the dark mandala. Perhaps Raji was about to die. Perhaps she had failed. Then the mystics came. They took Raji's body and they carried it away. Raji mar gayi guys. As Raji drifted, a vision came to her. Who was that with her brother? What did they want? She awoke on the boat, and in the far distance, she could see a city. Great kings of the past had fashioned it and had given their lives for it. But now the inhabitants were enthralled to a vast, lurking shadow. Stripped of their own will. The guardians blessed Raji, for she was the only hope for these people. What happened? Oh, my brother, you were so close. I swear I will find you. Do I ask too much of her? Time again will tell. और राजी वापस आ गई, पर अभी हमें ये नहीं पता हम है कहाँ, कि ये रास्ता बंद है, यहाँ नहीं जाना, ये रास्ता भी बंद है, यहाँ भी नहीं जा सकते। ओके, यहाँ से जाना होगा। A white peacock. What can it mean? What are those creatures that chase it?
Karuda again. But see, Rangda has the soldiers under her spell. A fresh mortal at the gate? Greetings, little fly. Welcome to my web. कुछ अजीब सी आवाज आई। फिर कैसी आवाज आई? ये पिंक कलर जा सकती है क्या यार? लगता तो नहीं जा सकते। A city of such beautiful waters, but the waters are now choked with poison. There used to be many more lotus flowers. They always brought me such joy. And Raji can grow more, if only she thinks of it. खुद रास्ता बनाना है, ये भी सही है। थोड़ा ज्यादा दूर हो गया, थोड़ा पास का बनाएंगे। गाइस दो भी तो बना सकते हैं। एक और गार्ड खड़ा है। ओ भाई लिफ्ट। That is a shrine to mighty Lord Vishnu. This must be Hiranyanagari. I have heard such tales of this place. Hiranyanagari है ये। She recognizes the city built to your glory. Are you not pleased, O Vishnu? It was my city, indeed, built to house my temple, but it is no longer mine.
shadow has fallen over it. Demons of Rangda, in my city? Her shadow is long. You must defeat them, Raji. She cannot hear you, but she knows what to do. अब उड़ने वाले राक्षस आ गए। See what they built in my name. A magnificent city, a prosperous city filled with marvels. Delicate carvings and intricate mechanisms. Mills powered by water. Wheels that turn other wheels. That open gates and lift great weights. Jalasura, demons of water, mechanical slaves to Ranga. Careful, my Raji. Avoid their gaze. ओ भाई पीकॉक इट क्राइज आउट इज इट हर्ट कितनी पास से गया डरा दिया एकदम Do you remember what I keep in my temple, Durga? Of course. That gives her a chance. But the way is blocked. Look, the Gajan waters are high. There are mechanisms to lower them. But what does she know of cogs and wheels? She is clever, this girl. She will find a way. इन व्हील्स के साथ कुछ करना है
famous guardians of Hiranya. They are restless. Something is wrong. Randa has corrupted even the fish. It can be. दो बनाने चाहिए। भी रास्ता है, इधर नहीं है, इधर भी रास्ता है। एक और पजल। Didi, why do we have no mother, no father? They are up there, in the stars, little brother. Golu and Razi. ओके, इस पे चलना होगा। लेफ्ट भी रास्ता है, राइट भी है। अब चलते इस तरफ। You shall not stop me. फिर आ गई उड़ने वाले। Thank you.
अरे कहाँ मर गए? एक तो नजर भी नहीं आ रहा, कहाँ मर गए? फिर आ गए ओ भाई, तीन तीन आंखें। ये तो हर एंगल में आ रही है। भाई तीन तीन आंखें हर एंगल से मार रही है, कहाँ तक बचा जाए? क्यों अंधाधुंध मारना पड़ा इन लोगों को? खाली आंखें ही ज्यादा परेशान कर गई। दिस इज अ प्लेस ऑफ कनिंग, द मिल्स, द वाटर दैट फीड्स द ग्रीन फील्ड्स। देयर इज नो डिनाइंग इट इज क्लेवर विष्णु। इट इज सच अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड नाउ इट इज इन रंगदास हैंड्स। सिर्फ दो पॉइंट पावर है। भाई मरना ही था दो पॉइंट पावर के साथ, दो आंखों और एक चंगू मंगू। गोलू, आई एम कमिंग। Thank you.
अरे ये फिर उल्टी करने वाला आ गया। ये सही था। इधर नहीं जाया जा रहा तो ऊपर ही जाना पड़ेगा। ओ भाई फिर नीचे। है क्या जी? नहीं। See here, it is the story of Garuda. There were two sisters, Kadru and Vinita. Most dear of wives of Maharshi Kashyap. He granted each a boon to show his affection. Kadru asked to become the mother of 1,000 sons. Vinita asked for just one son, but that he must be more powerful than 1,000 sons of Kadru. Blessed by the Maharshi, Kadru gave birth to 1,000 eggs. Vinita gave birth to only 2 eggs. With time, Kadru's eggs began to hatch. Inside each one was a coiling snake. Vinita, impatient and jealous that her sister's eggs had already hatched, took it upon herself to break open one of her own eggs. Inside Vinita's egg was a half-formed bird-like creature. Enraged by his mother's actions, he cursed her, saying that she would be a slave to Kadru until her second egg hatched. And if she did not show patience with that hatching, she would forever be a slave. And so, under the curse of a half-formed offspring, and through the machinations of Kadru and her Naga children, Vinita became a slave to her sister. Years passed
until one day, Vidita's second egg finally hatched. From it emerged Garuda, the king of birds. Seeing his mother's servitude, Garuda asked the Nagas to free her. They agreed, but on the condition that Garuda would fly to heaven and fetch for them the elixir of immortality. Garuda, for his mother's sake, flew to the heaven of the Devas. He was too powerful for the Devas to defeat, and so seized the elixir from them. I saw that Garuda did not want the elixir for himself, and so I manifested myself to him. Because his heart was pure, I granted him the gift of immortality. In return, he granted me the gift of becoming my mount. Should I so desire it, I warned Garuda of the deceptive nature of the Nagas. So Garuda returned to the Nagas with the elixir, but tricked them, telling them that it could only be consumed after they had purified themselves in the holy river. He attacked them unsuspecting as the bathed and ate them up. He freed his mother, Vinita. For safekeeping, Brahma took the elixir and bore it back to the heavens. मिल गया अमृत, इसकी बहुत ज़रूरत थी। हर तरफ से हमला हो रहा है, हर तरफ से। ये अच्छा रिफ्लेक्शन है, ये अपने आप में क्रिएट अच्छा लग रहा था। ओके, लिफ्ट है यहाँ पे। This is one of the mechanisms that will lower the Gargin waters. Is it too much for her? Cogs and levers. This is no challenge compared to fighting demons.
अच्छा जो रुके हुए उन्हें चलाना। The water's drained. It is not enough. There is more to do. Another mechanism to find. She must hurry. We do not want Rangda to notice until Raji is prepared. Okay, एक सेटअप तो कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी एक और करना है और वो हमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है। चलो ठीक है, ढूंढते हैं। इस तरफ है। She must cleanse this, Durga. She must cleanse all of this. Or puzzle. She will. And perhaps the tree will grant her another vision of the future. What did this being want with Golu? To instruct him? To
control him? Raju did not know what I knew. Here lay our greatest peril. वो गोलू को अपने कंट्रोल में ले रही है और राजे को ये बात पता नहीं है। चलो देखते भी, पहले तो वो पानी का फ्लो चलाना है। Fighting even in places of worship. There is worship in fighting if it is for the right cause. इसकी बहुत जरूरत थी। चलो पावरफुल हुई। This little fly has a sting. Who is this intruder, and why does she dare my wrath? रंग दाब को पता चल गया। ओ भाई, ज्यादा देर रहता भी नहीं है। साइड तरीका सही था, एंगल कंट्रोल नहीं हुआ।
अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। फिर और अभी जरा सा रह गया, जरा सा। ये सही है। ओ भाई राइट, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। ऑल राइट गाइज, हम पहुंच गए। आज हाँ सेकंड सेट ऑफ व्हील्स जो हमें ठीक करने होंगे। चलो ये चल पड़े। लॉर्ड विष्णुस टेंपल। वेल डन राजी। भाई पानी नीचे हो गया, रास्ता बन गया। The waters flow, my poison dispelled. You will suffer for this trespasser. खुल गया दरवाजा। ओके कुछ स्टोरीज है, देखते। आई एम मत्स्य द
the horned fish, who rescued Manu from the flood and led him to a place of safety. I'm Kurma, the great tortoise, bearing the weight of the mountain on my back. I am Varaha, the bull, who battled Hiranyaksha for 1,000 years and dragged the earth back from the cosmic ocean. I am Narasimha, with a man's body but a lion's claws and head, great protector against evil. I am Vamana, the dwarf who bestrode both earth and heaven. I am Parashurama, the valorous great warrior who created the western lands with a throw of my axe. Krishna, the herder, the most compassionate, who steered Arjuna's chariot and guided his thoughts. I'm Kalki, rider with a sword of flame, who destroys the evil and ends the cycle of... I'm Buddha Siddhartha, the awakened one, the sage and the teacher. I am Rama, exiled prince, who rescued Sita from the demon Ravana and returned home in glory. Thank you for your many blessings, Lord Vishnu. I will use these in your name, but guide me, my lord, for I do not know why I am here. Child, save Mayura, and it will save you. Okay, so भगवान विष्णु के सभी अवतार के बारे में बताया और लॉर्ड विष्णु से भी हमें वेपन मिल गया, सो अब हमारे पास 3 वेपन हो गए और हम उनके भी स्विच कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पर उस पीकॉक को बचाना है। इधर भी रास्ता है, इधर भी है। ओके, तलवारबाजी का ट्यूटोरियल। Thank you.
ये सही है, ये बहुत पावरफुल है। अब हमारे वेपन पावरफुल हुए हैं तो डेफिनेटली। क्रिएचर्स भी जो है वो भी और डिफिकल्ट आएंगे, दुश्मन जो है और भी डिफिकल्ट आएंगे। लिफ्ट भी है, स्टेयर्स भी है। चलो एक बार स्टेयर्स पे जाके देखते हैं। एक और पजल। गोलू और राजी की माँ है शायद, माँ भी नजर आ गई। पकड़ा था यार, जंप भी किया था, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। चलो फिर ट्राई करते हैं। Your foulness
has no place here. तो डिस्टर्बेंस आ रहा है माइक में। गाइस जो देख रहे हो बताना एक बार, कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या माइक में? इधर कुछ नहीं है, उधर ही है। Blessed Vishnu, I never thought to see such sights. Ah, Raji, you will go further than this and see many more wonders before your time is done. I have no doubt. She will also see terrors. Indeed, this place is beautiful, but at its heart stands the usurper Rangda. I hope Raji is prepared. Reflection in the water. What's that? Golu. No! Golu! Golu! What are they doing to you? पानी में भी गोलू की रिफ्लेक्शन दिखी राजी को। Thank you.
अब ठीक है। God stand on my side. अरे ये तो आंखें भी बहुत मार रही है भाई। This little fly has a sting. Who is this intruder and why does she dare my wrath?
It is not far now, but she will need to climb high. That is something we know she can do. But to face what lies beyond. She is strong, Vishnu, but Ramda is the child eater. My city must be free. भाई फंसाई लिए जाने दो। शुक्र है भाई ख़त्म हुए, ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, आए जा रहे थे यहाँ पे तो। अच्छा रास्ता तो वैसे ऊपर भी जा रहा है, पहले इधर चल के देखते हैं शायद अमृत वगैरह कुछ मिल जाए। ओ भाई ये कौन है? इतना ऊपर आ गए फिर भी अभी मूर्ति खत्म नहीं हुई। अच्छा ये वही है जो हमें दूर से दिख रही थी मूर्ति, हमें इसके टॉप पे जाना है। अरे
just light the beacon. Go up, Raji, go up. Light the fire on high. Then be ready, for it is a fire that Randa cannot bear. See now, the evil reveals itself. Be ready, Raji. Sword, shield, and heart. गाइस रंगदा आने वाला है। Who dares to light the beacon? I'll end you, mortal. रंगदा आ गई है। गाइस क्या इसे कैसे मारे? You will die for what you have done here. पता नहीं इतने जो हमने मारे उसमें एक भी इसे लगा है नहीं। ओ भाई सिर्फ 1 HP। Bring me my brother, witch. भाई ये नया था, सीधा मुंह से आग ही छोड़ने लग गई। पर ये पागल है, जब इसके हाथ पे मारा तो इससे कैसे बचे? अब हर तरीके के वार से बच रहे, इस वार से कैसे बचे? जो शील्ड थी हमारे पास, शायद उस शील्ड से बच सके। Now, no place, you're dead.
Where is Golu? Tell me what you want with him. से नहीं लगी। इससे काफी कुछ लगी। जब मारने लगे तो डिफेंस पे ध्यान नहीं दिया, लगातार दो हिट लगी और Where is Golu? Tell me what you want with him. Struggle continues. So you have a trespass. Travels are over. Where is Golu? Tell me what you want with him. ये पेशेंस से जीती जाएगी। Thank you.
So who has harmed you this way? I smell Vishnu. That old... So you are the prisoners. Well, your travels are over. Bring me my brother, witch! One HP 5. पूरा हाथ खत्म कर दिया उसके बाद. बोलते बोलते मार दिया, मुझे लगा अभी बोल रही है. Demon!
How dare you raise a weapon on me? गलत पठान। So, who has harmed you this way? I smell whiskey in that old peddler. Vishnu as my shield and Durga as my sword, I will bring you down. Who has armed you in this way? I smell whiskey in that old peddler. You do not scare me. I will use your entrails as a banner. Taste death, monster!
Die, creature! Your time is done! फाइनली मार दिया। मुझे नहीं पता इसे असल में भी इतने टाइम लगता था या मैंने इतना लगा दिया। But Rangda was never a clever creature. Now Raji must face the schemer behind Rangda. How will she fare against Mahabalasura, who holds her brother's life in his palm? Mystic messenger was exhausted. He warned Raji of what lay in his land. A conqueror had come, bringing demons, death, and despair. It was her only way to reach Golu. They must move swiftly. पीकॉक की सवारी, पीकॉक खुद लेकर जा रहे। The demon army would do anything to stop Raji reaching the mystic land. The mystic. Raji must continue on her own.
Mayura, you have done all you could. Rest now and be safe. एंड हम नई जगह आ गए हैं। ठीक है, ये रहा सामने रास्ता। बट गाइस, 3 घंटे से ऊपर हो चुका है अब हम स्ट्रीम करते हुए, अभी तक की हमारी लॉन्गेस्ट स्ट्रीम है। तो जिन भी लोगों ने ज्वाइन किया एक बार लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी इस चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। 3 घंटे से ऊपर की स्ट्रीम हो गई, अब एक काम करते हैं कि आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस गेम को हम कल नहीं तो शायद परसों डेफिनेटली कंटिन्यू करने वाले हैं। इस गेम को ख़त्म करेंगे, देन नेक्स्ट गेम पे मूव करेंगे। तो एक बार फिर से गाइज, जिन भी लोगों ने ज्वाइन किया उनको थैंक यू वेरी मच, एंड जो भी लोग इस समय लाइव हो उन सभी को और उनके परिवार को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिस इज़ वर्णन फ्रॉम बिग बाइसन गेमिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द इस राजी एंड एंशिएंट गेम के नेक्स्ट पार्ट में, एक और लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए कीप प्लेइंग एंड कीप वॉचिंग।